और आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। आधा से ज्यादा आदमी तो ये सोच रहा है कि भाई जब ये नेता है नहीं, वोट नहीं मांग रहे हैं, तो पैदल पैदल क्यों चल रहे हैं, इतनी बड़ी पदयात्रा क्यों कर रहे हैं, क्यों संकल्प किया है कि बिहार के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले, कस्बे, पंचायत में पैदल ही चलकर जाएंगे। पूरा बिहार करने में करीब करीब 5,000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, 1.5 बरस से ज्यादा समय लगेगा। 85 दिन से पैदल चल रहे हैं, 2 अक्टूबर को चलना शुरू किया है, जहां शाम होती है वहीं रुकते हैं और अगले दिन सुबह वहीं से चलना शुरू करते हैं, घर नहीं जाते हैं, गाड़ी पर नहीं बैठते हैं, तो पैदल क्यों चल रहे हैं। हमारा पैदल चलने से तरह रोड ना सुधरी, हमारे पैदल चलने से आपकी शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो पैदल क्यों चल रहे हैं। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि आप जिस समाज को, जिन लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, कम से कम आकर एक बार अपनी आंख से देखे तो कि आप रहते किस कष्ट में हैं, आपके बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ते हैं, आप जब बीमार घर में आपके कोई पड़ता है तो किस अस्पताल में आप जाते हैं, वहां दवा और डॉक्टर है भी कि नहीं है, जिन सड़कों पर आप चलते हैं उसकी दशा क्या है, जिन खेतों में आप काम करते हैं वहां पानी पहुंचता है कि नहीं, जो फसल आप उगाते हैं उसका दाम आपको मिलता है कि नहीं, इसकी पढ़ाई कहीं नहीं होती है। हम चाहे इंग्लैंड में पढ़ लो कि अमेरिका में, आपके गांव में क्या कष्ट है जानने के लिए तो आपके पास ही आना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दुर्भाग्य से आप और हम जिसको नेता बना रहे हैं, वो छुटको नेता है तो वो तो हवे में उड़ रहा है, जमीन पर भय कहां, जमीन पर तो खाली जनता ही बच गई है। तो जब हमने ये अभियान के बारे में सोचा, जन सुराज करने की ठानी, तो ये तय किया कि अगर गांधी जी के विचारधारा पर आधारित कोई व्यवस्था बनानी है तो जनता से एक बार तो मिलना पड़ेगा, और जनता ही तो जमीन पर है, जमीन पर तो दूसरा कोई बचा ही नहीं है, इसीलिए पैदल चल रहे हैं। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि आकर आपसे हाथ जोड़कर विनती करें कि जो बिहार की दुर्दशा है, आज से 40-50 साल पहले भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था और आज भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग बिहार में ही रहते हैं। आखिर ये दशा हम लोग की क्यों है? आप और हम काम तो पूरा कर रहे हैं, सहनी जी बता रहे थे कि यहाँ तो जमीन उपजाऊ है, पानी है, लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आखिर हम लोग क्यों सबसे गरीब हैं, क्यों सबसे पिछड़े हैं, ये बताने चले, आपसे कुछ सीखने आए हैं, लेकिन आपको ये बताने भी चले हैं कि ये दुर्दशा हम लोग की क्यों है। देखिए 5 वर्ष बिहार में हमने के बैठ के बतियावत नहीं जा कि जा कितना भ्रष्टाचार बा, पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, सड़क नहीं खे, गली नहीं खे, नाली नहीं खे, फसल के दाम नहीं खे, कोई सुविधा नहीं खे, लेकिन के रोजगार नहीं खे, लेकिन जहिया वोट होता रे भाई ये सब बात भूला जाता। वोट के दिन तो बिहार में लोगों को चारे बात याद है। पहला बात, हमारे जाति का कौन है उसको चलकर वोट देते हैं, जो जात से बच गया वो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट दे रहा है, तो दोनों से बच गया वो कह रहा है कि भैया कुछ होके लालू जी वाला अपराध वाला राज नहीं चाहिए, तो लालू जी का अपराध का राज वापस ना आए इस डर से भाजपा को वोट दे रहा है। और चौथा, हमारे मुसलमान भाई लोग हैं ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा को तो हम वोट दे नहीं सकते है, ये तो मुसलमान विरोधी पार्टी है, तो बचा कौन बिहार में, एक ललटेन। तो चाहे जिए या मरे, विकास हो चाहे नहीं हो, ललटेने को देना पड़ेगा। नीतीश कुमार का तो कोई पार्टी नहीं है,
वो तो कभी लालटेन पकड़ के लटके हैं, कभी कमल पर बैठ के तैर रहे हैं, उनका तो भरोसे नहीं कि कहां रहे। आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, इसी चार चीज पर वोट देते हैं कि नहीं। यहां आप जितना भी बात कर लीजिए, जहां चले जाइए बिहार में, जहां जाते न्यूज आदमी कहता, खेत में, खलिहान में, घर में, दलान में, चौक पर, चौराहा पर, चाय के दुकान में, सैलून में, जहां जाए आदमी बतियावता, ओकरा मालूम बा कि एजा का समस्या बा। हे भैया 277 की यूरिया 800 में मिलता, हे भैया 2000 के धान 1500 में बेचनी है, हे भैया एजा पढ़े के व्यवस्था नहीं है, हे भैया पढ़ लिख के बेरोजगार बैठल बानी जा, है देखी सड़क के हालत का बा, देखी है नाली के हालत का बा, इंदिरा आवास में 25,000-40,000 घूस लागता, कौनो काम बिना पैसा देले नहीं होती, सब बात आपको पता है। लेकिन जब आप वोट देते हैं तो इस बात पर वोट नहीं देते हैं, इसीलिए बिहार की ये दुर्दशा है, क्योंकि आपको ये पता है, हमको पता है, तन्ने तो जान गया है कि बिहार के जनता कतनो बतिया ले, हंस के चाहे गा के, रो के चाहे गरिया के, वोटवा तो यही चार चीज को दी जो यहां जा कहा। तो लालू जी का डर दिखाकर भाजपा वोट ले रही है और भाजपा का वोट डर दिखाकर लालू जी वोट ले रहे हैं, तो बिहार कैसे सुधरेगा? हमने के कतनों बतिया लिया जी, काहे के माथा फोड़ता नहीं जा। जब तक आप नहीं अपने और अपने बच्चों की चिंता कीजिएगा, तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। आदमी कहता कि प्रशांत किशोर आयल बालन ते सुधार दी, हम आपको कह रहे हैं, जो आदमी भी मंच पर खड़ा होता है वो यही दावा करता है कि हम ही वो भगवान के भेजे हुए दूत है, हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हमारे अकेले के बस का नहीं है, हमको वोट दीजिएगा तो कुछ नहीं सुधरेगा। जब तक बिहार की जनता नहीं सुधरेगी, तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है, लिख कर रखिए। आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपका लड़का जिस स्कूल में पढ़ने जा रहा है वहां पढ़ाई नहीं हो रहा है, आप जिस सड़क पर चल रहे हैं आपको मालूम है कि सड़क टूटा हुआ है, रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं के, तो प्रशांत किशोर राव लड़का के चिंता करियो। हम आकर आपके लड़के को खाना खिला सकते हैं, जब आपका लड़का आधे पेट खाकर सो रहा है और तब भी आपका आंख नहीं खुल रहा है, तो प्रशांत किशोर आपका आंख कैसे खोलेंगे? बिहार की जनता को यहाँ के नेताओं ने और दलों ने आपके हमारे नस में जाति का, धर्म का इतना नशा घुसा दिया है कि हम लोग को अपने बच्चों की तकलीफ भी नहीं दिख रही है, इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनय अनुनय विनय करने आए हैं कि अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए, अगर नहीं सुधरिएगा तो जिस गरीबी, गुर्बत, बदहाली में आपकी हमारी जिंदगी बीत रही है, इसी में आने वाले बच्चों की, आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी इसी गरीबी में बीतेगी। कोई नहीं बदल सकता है बिहार को, जगिए, नहीं तो ये सुधरने वाला नहीं है, इसलिए पदयात्रा कर रहे हैं। घर द्वार ऐसो आराम, परिवार सब छोड़कर गांवे गांव जा रहे हैं, यही कहने के लिए जा रहे हैं कि आप अपने और अपने बच्चों की चिंता कीजिए। देखिए लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया है, लालू जी को इस बात की चिंता है ना कि भाई हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10वां नहीं पास किया है, लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट दे देगी वो बन जाएगा। दिक्कत इस बात से नहीं है कि लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया है और मुख्यमंत्री बनना चाहता है, दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का बीए कर लिया, एमए कर लिया और घर में बेरोजगार बैठा है और आपको उसकी चिंता नहीं है। आप तो जाति में फंसे हैं, धर्म में फंसे हैं, कभी पुलवामा के नाम पर वोट दे रहे हैं, कभी पाकिस्तान के नाम पर, चाइना के नाम पर वोट दे रहे हैं, तो कैसे सुधरेगा बिहार? देखिए जा रोड पर मोटरसाइकिल चलता, मोटरसाइकिल कहां बनता? मोटरसाइकिल बन रहा है हरियाणा में, महाराष्ट्र में,
आप घर बनाते हैं इसमें सीमेंट लगता है, छड़ लगता है, ये कहाँ बनता है? ये बन रहा है झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। आपके घर में टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, ये कहाँ बनता है? ये बन रहा है उत्तर प्रदेश, नोएडा में, महाराष्ट्र में। आप बस पर चलते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है पंजाब में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, गुजरात में, बिहार में क्या बनता रे भाई? इतना लोग यहाँ खड़ा है, बताइए बिहार में क्या बन रहा है? कुछ बन रहा है बिहार में? कुछ नहीं के बनो। हम आपको बता रहे हैं क्या बन रहा है। यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के व्यवस्था ने एक ही फैक्ट्री लगाई है, पूरे बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। जवान लड़कों को मजदूर बनाकर भेज रहे हैं। आप जिस बच्चे को पेट काट काट के खिला पिलाकर पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो 20 साल, 22 साल, 25 साल का लड़का हो गया तो पीठ पर झोला लेकर पूरे हिंदुस्तान में लोग ट्रेन में, बस में जानवर की तरह भर कर जा रहा है नौकरी करने, मजदूरी करने। 12,000 15,000 रुपया के मजदूरी के लिए लोग अपनी पूरी पूरी जवानी का हार गला रहे हैं, ताकि पेट काट के अपने परिवार को चलाने के लिए 5,000-6,000 रुपया भेजे, ताकि उसका परिवार चल सके। ये दुर्दशा है बिहार की। आप बताइए कि यहाँ गुजरात से, पंजाब से कोई आदमी आकर मजदूरी कर रहा है? एक आदमी भी मजदूरी करते ही जा, क्यों नहीं कर रहा? उन राज्यों में भी गरीबी है, वहां पर भी भ्रष्टाचार है, वहां पर भी इसी देश का कानून लागू है। पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में अगर आदमी वहां मजदूरी करने के लिए बिहार नहीं आ रहा है, तो बिहार का आदमी वहां क्यों जाता है? इसलिए जा रहा है कि उन राज्यों में सरकारों ने व्यवस्था इतनी बना दी है कि 10-15 हजार रुपया के लिए मजदूरी करने के लिए किसी को अपना घर परिवार गांव देहात छोड़कर बाहर न जाना पड़े। अगर ये व्यवस्था बाहर लागू है तो बिहार में भी होना चाहिए ना भाई, क्यों नहीं है व्यवस्था? और आप और हम उस पर क्यों नहीं वोट कर रहे हैं कि वोट उसको पड़ेगा जो हम लोग के घर के बच्चों को यहाँ रोजगार दे? वोट उसको ना पड़ना चाहिए? तो आप वोट दीजिएगा जात पर, वोट दीजिएगा पुलवामा पर, और सोचिएगा कि आपका शिक्षा सुधर जाए तो सुधरेगा? कभी कभी नहीं सुधरेगा। आपका लड़का जिस स्कूल में जा रहा है वो पिलुआ वाला खिचड़ी खा रहा है तो कलेक्टर बनेगा? हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, हमारे बाबूजी पढ़े लिखे तो डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बने तब ना हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। आपका लड़का जब पढ़िए नहीं रहा है तो मजदूरी से बाहर निकलेगा कैसे, गरीबी से बाहर निकलेगा कैसे? शिक्षा व्यवस्था के, विद्यालयों के, स्कूल के खराब हो जाने से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब परिवारों को है। बड़ा जिसके पास पैसा है, हमारे पास पैसा है तो हमारा लड़का तो फिर भी पढ़ लेगा, आपका लड़का कहाँ पढ़ेगा? और पढ़ेगा नहीं तो जीवन भर उसको मजदूरी ही करना पड़ेगा। ये बताने चले हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं कि बिहार के लिए नहीं, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए, और धर्म पर नहीं, जाति पर नहीं, वोट उसको दीजिए जो आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, आपके बच्चों को रोजी रोजगार दे, किसानी का हालत ठीक करे, यहाँ पर फैक्ट्री लगवाए, उसको वोट दीजिए। इसीलिए इतना पैदल पैदल घूम रहे हैं। यहाँ पर हमारे कुछ मुसलमान भाई भी बैठे हुए हैं, आपके भी कुछ सवाल का जवाब देने आए हैं। आपके मन में सवाल है कि भैया आप ये जो कर रहे हैं इससे कहीं भाजपा को तो नहीं फायदा होगा, महागठबंधन का मदद कर दीजिए। तो आप तो बता रहे हैं कि महागठबंधन का मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस महागठबंधन को, जिस आरजेडी को आप अपना दल समझकर पिछले 30 साल से बंधुआ मजदूर की तरह वोट कर रहे हैं, आप जरा देखिए कि आपको मिला क्या है। आप वोट इसलिए करते हैं कि आपका, आपके परिवार, आपके समाज का विकास हो। मैं 85 दिन से आज पैदल चलने के बाद बहुत विश्वास से ये बात कह सकता हूं कि दलित और अति पिछड़ों की बस्तियों को छोड़ दीजिए,
तो सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली मुझे मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी है। सबसे ज्यादा गरीबी आपके घरों में है, आपके यहाँ अशिक्षा, आपके गांव में जो हालात है वो दलित बस्तियों से भी ज्यादा खराब है कई जगहों पर। तो विकास आपको मिला नहीं, आप और राजनीतिक भागीदारी आपको मिली नहीं, जिसको आप अपनी सरकार कहते हैं, जिसको एक थोक एक मुश्त 20% वोट देते हैं, आपको मिला क्या है उनसे? आपको कौन सी भागीदारी मिली है? आज जिस सरकार, जो सरकार आपके वोट के बल पर बनी हुई है महागठबंधन की, बिहार का बजट है 2,25,000 करोड़। जो आपको भागीदारी मिली है वो सारे विभागों का बजट जोड़ दीजिएगा तो 5,000 करोड़ भी नहीं है। तो ये है आपकी भागीदारी, और जिस वजह से आप उनको वोट देते हैं कि हम भाजपा को हराने के लिए वोट देते हैं, तो 1989 में आपने भाजपा को वोट, लालटेन को आपने वोट देना शुरू किया। आज 40-30 वर्ष हो गए, भाजपा 2 MP की पार्टी थी, आज 330 MP की पार्टी हो गई। तो ना आपको विकास मिला, ना आपको भागीदारी मिली, ना आप भाजपा को हरा पाए, फिर भी आप लालटेन पकड़ के चलना चाहते हैं। तो चलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बात से घबराइए नहीं कि हमारे जन सुराज के आने से आपका वोट बट जाएगा। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप महागठबंधन को ही वोट दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जब गांव में मैं जाता हूं, मुसलमान भाइयों के गांव में जाता हूं, आपके गांव में आए हैं, तो लोग बता रहे हैं कि देखो तनी ना भैया रोड कितना खराब बा। तो सड़क मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। गांव में लोग बता रहे हैं भैया नली गली में जियल हराम बा, देखी कितना खराब स्थिति बा। तो ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आपके गांव में यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। शिक्षा मंत्री कौन है? वो भी चंद्रशेखर यादव, तेजस्वी यादव के पार्टी के ही है। आपको यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, किसान का हालत खराब है, तो कृषि मंत्री भी तेजस्वी यादव के ही लोग हैं। तो मेरे भाई, आप हमसे शिकायत क्यों कर रहे हैं? आपकी सरकार है, जिसको आपने आंख बंद करके वोट दिया है, वही आदमी मंत्री है, उसी से कम से कम काम करवाइए। कुछ नहीं तो मेरा भय दिखाकर ही कुछ काम करवा लीजिए, हम इसलिए आए हैं आपके पास। यही भय दिखाकर काम करवा लीजिए कि भैया नहीं करोगे तो जनसुराज में चले जाएंगे, कम से कम अपने समाज का, अपने बच्चों का कुछ भला तो कराइए। अपने एक दिन आपके गांव से गुजरते हैं, 4 गोली खाते हैं, नहीं तो इतना धूल है कि खांसी रुकती नहीं है। इन्हीं गलियों पर आपके बच्चे दौड़ते हुए बढ़ रहे हैं, उनके फेफड़ों की क्या दशा होती होगी जरा सोचिए। आपको चिंता ही नहीं है तो कैसे सुधरेगा? और जो लोग बता रहे हैं महागठबंधन की बात, आपको बता देते हैं क्यों नहीं महागठबंधन की मदद कर रहे हैं। इसलिए नहीं मदद कर रहे हैं कि जिस नीतीश कुमार को आप दाव लगाना चाहते हैं, फिर से लिख कर रखिए, ये आदमी आपको फिर से ठगेगा। आप में से कोई आदमी जिसको ये भरोसा हो कि नीतीश कुमार फिर से नहीं पलटेंगे, जरा खड़े होकर समाज के सामने इस बात का गारंटी ले लीजिए, हम महागठबंधन का मदद कर देते हैं। कोई यहाँ पे इतना हिम्मत नहीं कर सकता है जो ये दावा करे कि नीतीश कुमार फिर से नहीं पलटेंगे। और हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं, आज की तारीख और ये जगह लिख कर रखिएगा, आप एक बार फिर से महागठबंधन को वोट दीजिए, आप फिर ठगे जाएंगे, ये आदमी फिर आपको छोड़कर भागेगा। आपके आंख के सामने है, आपको दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन में है और दिल्ली में लोकसभा में, राज्यसभा में अपना उपसभापति बनाए हुए हैं, भाजपा के साथ बैठ के कानून बनवा रहे हैं, आपको दिखिए नहीं रहा है, तो हम क्या करें? राज्यसभा में जाकर देख लीजिएगा, अभी गूगल करके इंटरनेट पर, राज्यसभा में उपसभापति नीतीश कुमार के MP हैं हरिवंश जी। कानून बनाने के लिए राज्यसभा लोकसभा दोनों की जरूरत है। तो यहाँ पर महागठबंधन और दिल्ली में कानून बना रहे हैं भाजपा के साथ, और खुद यहाँ पर भाजपा विरोध के नाम पर मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं। आप ऐसे आदमी पर भरोसा करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। जिन लोगों को लग रहा है, मुसलमान भाइयों को,
कि प्रशांत किशोर भाजपा की मदद से लिए आए हैं, तो एक ही बात आपको कहेंगे, जरा याद कर लीजिएगा, सीएनआरसी अभी आया था, जब सीएनआरसी की तलवार लटकी तो सीएनआरसी को कैसे रोका गया इस देश में। सीएनआरसी उस दिन रुका जिस दिन भाजपा को बंगाल में शिकस्त दी गई, जिस दिन भाजपा को बंगाल में हरा दिया गया, उसके बाद से सीएनआरसी का कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तो बंगाल में जब लड़ाई लगी, जब पूरे देश में लोगों ने मान लिया कि भाजपा बंगाल जीतने वाली है, दीदी के अपने लोग भी उनको छोड़कर चले गए, तब कौन आदमी टीएमसी के साथ खड़ा हुआ था? नीतीश कुमार तो उस समय बैठे हुए थे, भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे, और तेजस्वी यादव आपके रहनुमा नहीं गए थे बंगाल, बंगाल प्रशांत किशोर गया था। 2 बरस हमने अपनी जिंदगी के लगाए हैं, गांव गांव बूथ बूथ घूमकर हमने वो व्यवस्था बनाई कि किसी तरह भाजपा को बंगाल में रोका जाए। बंगाल में रोकने में हम लोगों ने अपना कंधा लगाया, और आप कह रहे हैं कि हम भाजपा का बी टीम है, तो आपको आपका ललटेन मुबारक, आप उसी को वोट दीजिए, हमको आपका वोट नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको आए हैं निमंत्रण देने। वोट तो आपसे लेने सब आता है, आपको निमंत्रण देने आए हैं कि महात्मा गांधी की विचारधारा पर आधारित एक जो नई व्यवस्था बना रहे हैं, इसमें अपना खून पसीना लगाइएगा, इसको सींचिएगा, तो यही बड़ा होकर कल आपको फल भी देगा और आपको छाया भी देगा। मरे हुए बूढ़े पेड़ में चाहे जितना भी आप अपना खून पसीना लगा दीजिए, उससे आपको कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। मेरी बात का भरोसा न हो तो 3-4 बरस और देकर देख लीजिए। हम आज आपको अपना निमंत्रण कार्ड दिए जा रहे हैं, अपना निमंत्रण आप पर छोड़े जा रहे हैं। अभी चलना होगा तो चलिएगा, नहीं तो चुनाव जीतने के बाद आएंगे, तब आपको अपने साथ ले चलेंगे। आपको चलना तो जन सुराज के साथ ही है, आज चलिए चाहे 3 बरस के बाद चलिए, क्योंकि गांधी की विचारधारा आधारित कोई ऐसी व्यवस्था बन नहीं सकती है जिसमें 20% हमारे मुसलमान भाई भागीदार ना हो। इसलिए आज आपको निमंत्रण देने आए हैं, आइए और इसमें भागीदार बनिए, हिस्सेदार बनिए, इस सोच को मजबूत कीजिए, इसको अपना बनाइए। जैसे आजादी से पहले महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, उस तरह की व्यवस्था बनाइए जिसमें हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा अमीर गरीब महिला पुरुष सब मिलकर देश के बिहार के विकास के लिए प्रयास करें। अगर वो ठीक न लगे, आपको भरोसा न हो, तो महागठबंधन के साथ ही रहिए, चिंता मत कीजिए कि आपका वोट बट जाएगा, उसको वोट एक बार और दे दीजिए, लेकिन जीतेगा जन सुराज ही, लिख कर रखिए। ये प्रशांत किशोर बोल रहा है, हम नेता नहीं है, एक बार बोल दिए कि जो जीत रहा है तो वही जीतेगा। आपने देखा है 10 बरस में जिसका भी हाथ मैंने पकड़ा है उसको हारने नहीं दिया है, इस बार पूरा सोच समझकर ये अभियान शुरू किए हैं। अगर 20% मुसलमान भाई वोट न भी दे तो भी 80 में कैसे 40% वोट लेना है, ये हमको गुणा गणित आता है, लेकिन आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं। चलिए तो बहुत अच्छा, और नहीं चलिए तो जीतने के बाद जब आएंगे तब चलिएगा, क्योंकि ये बिहार की व्यवस्था नहीं है, बिहार से इसको शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये कहानी आगे तक जाएगी, और जब जीत कर आएंगे तो आपको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन जब तब आएंगे तो आपसे पूरा पूरा हर्जाना भी वसूल करेंगे। आपको साथ तो लेकर चलेंगे ही, लेकिन जीत की खुशी का आपसे सेवई भी खाएंगे। हम वेजिटेरियन आदमी हैं, आपको सेवई भी बनाकर रखना पड़ेगा। जीत कर आएंगे, सेवई खाएंगे और तब आपको लेकर साथ चलेंगे, और नहीं तो जिसको वोट देना है उसको देते रहिए। एक और बात मुसलमान भाई लोग बता रहा है, ये भाई इतना बड़ा अभियान करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है, जरूर भाजपा दे रहा होगा। अब आपकी सोच पर मुझे हंसी आती है, आपकी सरकार है बिहार में चचा भतीजा की, इनके पास आधा आधा बिहार है, तो इस गरीब और पिछड़े राज्य को लूट कर ये लोग अपना राजनीति कर रहे हैं। हमारे बनाए हुए आज देश में 6 मुख्यमंत्री हैं, 6 राज्य जीत कर आए हैं, तमिलनाडु तेलंगाना आंध्र प्रदेश बंगाल जैसे बड़े राज्य आज वो लोग चला रहे हैं जिनके जीत में हमने अपना कंधा लगाया है।
तो हमको है 100 गाड़ी और 500 लड़का रखने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। कहां भ्रम में आप है? आपने सबका चश्मा लगाया हुआ है। हम अपना हृदय फाड़ कर दिखा देंगे तो भी आप नहीं मानिएगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि वोट नहीं दीजिए, लेकिन इस विचार को देखिए, जांचिए, परखिए, मूल्यांकन कीजिए, और अगर भरोसा हो तो साथ में चलिए, और ना भरोसा हो तो जीतने के बाद चलिएगा। उसमें दिक्कत क्या है? घबराइए नहीं, हम आपके वोट के भरोसे नहीं आए हैं, आपका वोट बांटने नहीं आए हैं, आपका वोट लेने नहीं आए हैं। सत्य की एक अपनी ताकत होती है। हम रोज कह रहे हैं कि महागठबंधन नहीं हरा सकता है भाजपा को, तो देखिए खुदा ने भी कैसे हमारी मदद की। दो दो उपचुनाव हुए, दोनों जगह महागठबंधन वाले हारे हैं। आगे भी जितने चुनाव होंगे वहां भी हारेंगे। आप वोट दे के देख लीजिए, आप हरा ही नहीं सकते। लोहे को लोहा काटता है। जिस भाजपा से आप लड़ना चाहते हैं वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। अगर विचारधारा गोडसे की विचारधारा से लड़ना है तो गांधी की विचारधारा वाली व्यवस्था को खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं। ठीक लगे तो बहुत अच्छा, न ठीक लगे तो जहां है वहां रहिए, लेकिन अगर उसी लालटेन को वोट दबाते रहिएगा, नीतीश को वोट दीजिएगा तब तो ठगाइएगा, वो तो बातें अलग है। और जब अगर लालटेन को दबाइएगा तो अपने गरीबी, अपनी बदहाली, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा। दूसरे को मत दो फिर दोष दीजिए, आप स्वयं से जो वोट दबाइएगा वही ना पाइएगा। यही कहने चले हैं। अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, और नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं, कोई मलाल नहीं है। मैं आपसे एक बार इस मिट्टी के गौरव के लिए नारा लगाएंगे हम लोग। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जगह में से ठीक लागो तो आधा 1 किलोमीटर।